जनाब चाय पियेंगे? चाय लाओ। नहीं। सोशल रिलेशंस थे, तो फिर मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा सर कि मैं चाहूंगा कि दिल्ली से ऑन ड्यूटी ऑन डेप्यूटेशन आए अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करूं सर। विशेश्वर जी देखिए, अगर मेरी ना समझी की बातों ने आपको हर्ट किया है तो आई एम सॉरी सर। विशेश्वर जी प्लीज देखिए, एक एम लेकर आया हूं, उसे पूरा करने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। अपनी पोस्ट के एरिया ऑफ एक्शन में रहकर जो भी कर सकता हूं सर जरूर करूंगा। ब्रजेश्वर जी एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को मेरी जगह पर रखकर तो देखिए। इज दैट योर ऑर्डर सर? किया था मेरे बाप ने, एक सच्ची गवाही तो दी थी ना, मरवा दिया उसे हकम सिंह ने। अब मैं हकम सिंह को बर्बाद करके रख दूंगा सर। वैसे तो आई डोंट नो इफ आई हैव द राइट टू से दिस, बट इफ यू प्लीज अलाउ मी, हमें वर्दी पहन के पर्सनल बदले नहीं लेने चाहिए सर। मुश्किल काम सौंपे जाते हैं सर। ठीक है ब्रजेश्वर जी, आज के बाद ना मैं अपना एम भूलूंगा और ना ही मरा हुआ बाप। चेतन ये मेरा वादा है आपसे जीजा जी, हकम सिंह को हर हालत में खत्म करूंगा मैं, पर कानून की हद में रहकर और कानून की मदद से। बोल बाबजी, जमशेदपुर से बिकराम आयो है बेजू दरबार में, 5 मिनट बाद भेज दो। हाँ जब तक बाजी पूरी हो जाओगी जा। जो हुकम, यू बिकराम का है जमशेदपुर को डाकू है कहीं? अरे नहीं रे हरे सिंह, जिगरी है अपना। अरे अपने गांव का मास्टर है ना, गणेश मास्टर। अच्छा अच्छा, वो चक्की के पास वाला लाल घर वाला? उसी का जमाई है। जमशेदपुर में पाइपों की बड़ी फैक्ट्री है। पाइप? अरे लोहे का मोटा पाइप आवे ना, बम्बा बम्बा। हम इन्हें लगाया वहां पे, अपना दिल्ली में एक है ना जिगरी विजय चौहान। हाँ वही तो, जी की फैक्ट्री में आपको माल लगे है। अरे माल लगा तो खबर भी रखनी पड़ती है ना, फैक्ट्री कैसे चल रही है, पीसा जो लगा अपना। गड़ी खम्मा बाप जी। अरे आओ आओ भिकाराम जी विराजो। विराजो बाप जी, अब आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ बाप जी? अरे भाई तुम जवाई हो हमारे। अरे भाई जी हाँ, गणेश के जवाई भी हैं, हमारे जवाई, पूरे गांव के जवाई। अरे विराजो आप तो समझे नहीं। और सुनाओ क्या चल रही है हमारे दोस्त की फैक्ट्री? अब क्या बताऊं बाप जी, फैक्ट्री में तो हफ्ते भर से काम बंद पड़ा है। बंद पड़ा? हाँ बाप जी, अब दोनों यूनियन बड़े थी, सभी मैंने आपसे कहा था लफड़े होंगे, अभी इस बार यूनियन के चुनाव में हो गई आपस में मार मारी। अरे चुनाव में आपसी झगड़े तो होते रहते हैं, फैक्ट्री को बंद कर दी, नुकसान कौन भरेगा? अब
बाप जी ये बात विजय साहब को कौन बताए, वे तो वहां बैठे दिल्ली में। और अपने मैनेजर साहब है कुछ करते ही नहीं। अरे वो हराम जाना क्यों करेगा, पैसा उसका थोड़े लग रहा है। पैसा तो हमारे बाप जी का डूब रहा है, पर तेरी चिंता मत करो, अब बार दिल्ली फोन लगाया और कल फैक्ट्री शुरू देख लो। हेलो कौन? विजय, विजय चौहान। अरे भाई मैं हाकम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हाकम सिंह जी बोलिए, बताइए कैसे याद किया? अरे भाई हमने तो हमेशा की तरह इस महीने भी आपकी रकम पर जो ब्याज बनता है वो आपके यहाँ वाले अकाउंट में जमा कर दिया है। अरे भाई जब मूल रकम ही डूबने लगे तो ब्याज को क्या चाटूंगा नमक लगा के। अरे कौन डुबो रहा है आपका मूलधन? अरे जमशेदपुर वाली फैक्ट्री बंद है 7 दिन से। हमारे गांव को जमाई काम करे वहाँ भिकाराम, वही आया खबर लेके तो फोन किया। हुकुम अपना ऐसी बात रहे दीवाने सुआम, यहाँ दिल्ली में बैठे हमको पता नहीं और वहाँ आपको गांव में बैठे बैठे पता लग गया कि हमारी जमशेदपुर वाली पाइप फैक्ट्री में प्रॉब्लम कब हुई और कैसे हुई। तो फिर करो ना कुछ। आप फिक्र मत कीजिए हाकम सिंह जी, 2 दिन के अंदर अंदर विजय चौहान की फैक्ट्री में काम शुरू हो जाएगा। और यह खबर देकर आपने अपना मूलधन ही नहीं बचाया, हम पर एहसान किया और विजय चौहान एहसान मूलधन। नहीं दोस्तों मैं कैसा एहसान भाई। नहीं नहीं मेरे भी कुछ काम हो तो बताइए। अरे नहीं है तो सही एक काम। हाँ हाँ हुकुम करें। दिल्ली से एक नया पुलिस अफसर आया है। बहुत गड़बड़ लग गया तो हट जाएगा, बस इतना काम करा दो। ठीक है रखू फोन जयराम जी के। हरी सिंह इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। देखा व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन दिस कंपनी। हमारी जमशेदपुर वाली फैक्ट्री में पिछले 7 दिनों से बंद चल रहा है और यहाँ Sir, if you don't mind, may I say something? Yes. मुझे लगता है हमारा immediate step ये होना चाहिए कि वहाँ एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को भेजना चाहिए जो वहाँ पहुँचकर सबसे पहले मजदूरों को संभाले और मैनेजर को भी वहाँ की पोजीशन देखकर टाइट करे और इमीडिएटली प्रोडक्शन शुरू कराए। मैनेजर शुड गो देयर इमीडिएटली क्योंकि ये फैक्ट्री उसके जिम्मेदारी के तहत। सर वो क्या है कि अजय साहब वो अपना क्यों क्या हुआ? सर अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं। नो no. ये अजय की जिम्मेदारी है और उसी को निभानी पड़ेगी। सब अल्लाह कॉल अजय होने से लेकर। सर वो क्या है कि अजय साहब इस वक्त ऑफ ड्यूटी होते हैं और उनका मोबाइल भी बंद होता है। ऑफ ड्यूटी? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ ड्यूटी? इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी संभालने वाला आदमी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकता मिस्टर भल्ला। सर अगर ये बात आप खुद उनसे कहें तो। मिस्टर भल्ला देखिए सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर आप कहें तो आज रात की फ्लाइट से मैं। थैंक यू संजय, आई पर्सनली फील दैट अजय शुड कम। थैंक यू अगेन, तुम जा सकते हो। अल्लाह साहब अजय को घर की फैक्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? कहाँ इन्वॉल्व रहता है वो आजकल? सर यहाँ तो वही पुराना चक्कर चल रहा है हमारी दिल्ली में। वो जो उनकी असिस्टेंट है ना नंदिता जी, नंदिता। वो तो मुझे भी मालूम है।
और मुझे ये भी मालूम है कि वो कहाँ है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको क्यों नहीं मालूम कि वो कहाँ है? पार्टनर, मैंने कभी पूछा ही नहीं। पूछा करो, जब ऑफिस में मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ तो आप मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते? कमाल के सवाल है पार्टनर। बिल्कुल, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आई तुम कहाँ थी अब तक? ऑफिस में काम था। ऑफिस में थी या? जिसके साथ तुम्हें आशी करना चाहते? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझसे बात तो करनी पड़ेगी। नहीं करूँगी। कैसे नहीं करेगी? तेरी हड्डी पसली एक बार कर दूँ तो। हाथ लगा कर तो देखो। अच्छा, क्या है? इसी वक्त जमशेदपुर जाना है। लेकिन ऑफिस में बताया नहीं किसने? निर्मला, इसे कह दो कि अगर साहबजादे ये ऑफिस में रहा करें तो उन्हें पता लगता रहेगा कि ऑफिस में क्या हो रहा है। लेकिन भाई जी, मैं ऑफिस में तो था। निर्मला, टिकट दे दो, फ्लाइट में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। खाना भी खिला दो अगर ये चाह रहे हो तो, या फिर कहीं और खाकर ना आए हो तो। गाड़ी में रखा है, ये लो टिकट, मैं अभी आई 5 मिनट में, खाना लगा देती हूँ। नहीं भाभी, मैं खाना खा के आया। न जाने कहां से आ गई दो भाइयों के बीच में ये नंदिता। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी इस घर में, नहीं रहूंगी इस जिल्लत की जिंदगी मैं अब और नहीं जीऊंगी। क्या फायदा ऐसी जगह जीकर जहां इंसान एक सांस भी ना ले सके खुल के? नहीं, अब और नहीं।
हेलो हेलो, मैं अजय साहब से बात कर सकती हूँ? जी नहीं, वो अभी थोड़ी देर पहले जमशेदपुर चले गए हैं। जमशेदपुर? दो तीन दिन में आ जाएंगे। दो तीन दिनों में? हाँ। कोई काम था? कौन बोल रही है? जी कोई बात नहीं, ठीक है, बाय। नंदिता है आप? जी मैं नंदिता बोल रही हूँ। और आप भाभी? हाँ। कोई खास काम था? मुझे कह दो। नहीं, यूं ही फोन किया था। यूं ही कोई फोन नहीं करता इतनी रात को। कुछ लोग करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। गुड नाइट। संजय, मैं नंदिता बोल रही हूँ। नंदिता बोलो। संजय, मैं अपना घर छोड़ना चाहती हूँ इसी वक्त। क्यों, क्या हो गया? वो मैं बाद में बताऊंगी। अजय को फोन किया था तो पता चला वो जमशेदपुर के लिए निकल गए। संजय, मैं अपने घर से निकलना चाहती हूँ। जरूर निकलो नंदिता, तुम आपसे ठीक 40 मिनट बाद अपने घर से बाहर करेंगे। मैं गाड़ी लेकर मिलूँ। ओके, बाय बाय। सुरमा, तेरी बहू का फोन आया था, वो अपने पति को छोड़ रही है। उससे मुझे फोन किया था, कहा मेरे साथ। अब तो उसे घर लेकर देना पड़ेगा ना माँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना माँ। जरूर घर लेकर देना बेटा, लेकिन घर बसाएगा तू तब जब चौहान खानदान की 13वीं हो जाए। अफसोस कि इन 13 दिनों में खुशी का काम नहीं करते ना बेटा। लेकिन बेटा देखना, तेरे कदम डगमगा ले जाए। बेटे को इतना कमजोर नहीं समझना कि किसी की मोहब्बत तेरी दी हुई नफरत को मिटा दे। शाद का खाना खिला दूं पंडित को, फिर तेरी शादी करूंगी धूमधाम से उसे जिससे तू चाहता है। नमो नमः स्वाहा। ओम शनिश्चय भ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय भ्यो नमो नमः
हाँ ये तो प्रॉब्लम ही होगी, अब मुझसे कौन लड़ेगा? जब लड़ने का बहुत मन करे तो दिल्ली आ जाना।